ये है हमारा पोको का F3 या फिर कह सकते हो Mi 11X। और भाई ये लंबे टाइम के बाद वापस मैं अपने चैनल पे लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे लेके आओ, तो देखते हैं कितना आप लोगों का सपोर्ट मिलता है। और इसका इतने लंबे टाइम के बाद सबसे पहला रोम मैंने चेक किया है वो है FadeOS। और आज के इस वीडियो में आपको इसका ही डिटेल देने वाला हूँ कि इसमें क्या कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस वगैरह क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है। वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। और इसे इंस्टॉल कैसे करना है मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। यहां पे जो मैं यूज कर रहा हूं ये एक थीम है जो कि मैं आपको दिखा दूंगा, आप सर्च करके निकाल लेना। हम आते हैं अपने सेटिंग के अंदर माय डिवाइस पे, तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है FadeOS Mi 11X। हमारे मेंटेनर का यहाँ पे नेम लिखा हुआ मिलता है। डिटेल एंड इन्फो में आते हैं तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 15 देखने को मिलेगा, जहाँ पे 4 मंथ का सिक्योरिटी पैच ऐड करा गया है। और यहाँ पे ये जो बेस है वो है चाइना का। साथ साथ यहाँ पे फ्लिपकार्ट कर्नल वगैरह देखने को मिलता है। स्मूथनेस ओवरऑल मैं कहूँगा कि यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन जब आप इसे फर्स्ट डे डालते हो ना तो आपको हल्का फुल्का जिटर और लैग्स वगैरह फील होते हैं, लेकिन जैसे ही 1 डे कंप्लीट होगा इसे यूज करते हुए सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज होती है और काफ़ी बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अगर हम आते हैं एडिशनल के सेटिंग पे, तो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, चाइना होते हुए भी यहाँ पे ऐड करा गया है, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे वही नॉर्मल बेसिक जैसे कि फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन, यहाँ पे मल्टी यूजर अकाउंट वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि आपका प्रॉपर काम करता है। वहीं पे आपको जो देखने को मिलता है बैटरी के अंदर हम इन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है वो है नॉर्मल सी चीज़ है, जहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग ऐड करी गई है। और यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि टॉप स्पीड और स्टैंडर्ड है। और चार्जिंग स्पीड से रिलेटेड एक चीज़ मैं यहाँ पे शो करना चाहूँगा, वो ये कि जब भी मैं इसे यूज करा था फर्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था फ़ोन हल्का फुल्का, तो वैसे में स्लो चार्जिंग देखने को मिला, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे 34 मिनट में 28 गया है, 21 मिनट में 16% गया है, लेकिन जब फ़ोन कूल डाउन रहता है, नॉर्मल रहता है, तब मैं चार्ज करता हूँ तो स्पीड मुझे अच्छा देखने को मिलता है, जो कि 18 मिनट में 21% की चार्जिंग है। तो ये सही है, लेकिन जब आपका फ़ोन हीट रहेगा तो कुछ इस तरीके से स्लो चार्जिंग देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान में रखना है। सिर्फ यही फ़ोन नहीं, यही OS नहीं, कोई भी डिवाइस हो, हीट होता है तो स्लो चार्जिंग करता है, इस चीज़ का आप ध्यान में जरूर रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे शो किया है। इसके बाद यहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। साउंड का प्रोफाइल भी आपका यहाँ पे प्रॉपर काम करता है, नो इशूज। यहाँ पर हम बात करें डिस्प्ले की, तो डार्क मोड के अंदर आपको इंडिविजुअल ऐप में सिर्फ उसे अमेजन ही नज़र आता है, सारे ऐप नज़र नहीं आते हैं। ये एक बग है, क्योंकि ऑफिशियली चाइना में ये चीज़ आज तक फिक्स हुई नहीं है, और मे बी हमारे मेंटेनर ध्यान नहीं दिए होंगे, इसकी वजह से ये चीज़ ठीक नहीं हुई। उसका दस मोड ट्रांजिशन, एडवांस टेक्सचर, एंटी फ्लिकर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप यूज कर सकते हो। रिफ्रेश रेट में डिफॉल्ट पे ही यूज कर रहा था, लेकिन आप 120 कर लोगे तो आपको और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे 60 और 90 का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे हम बात करें होम लॉन्चर की, तो एडवांस वाला लॉन्चर यूज किया गया है, जहाँ पे इनहेंस ब्लर, एडवांस टेक्सचर, फोर्स डार्क ब्लर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे सर्च बार कैसा रखना है वो आप देख सकते हो, अलग अलग स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा। डबल टैब लॉक का ऑप्शन है, स्मॉल फोल्डर ब्लर का ऑप्शन में आपको मिल जाता है। रो एंड कॉल्यूम में यहाँ पे 4:6 और 5:8 दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सर्च का स्टाइल वगैरह, जो कि मैंने शो कर ही दिया है। अनदर यहाँ पे अनलॉकिंग एनिमेशन है, आइकन साइज आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप डॉक कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके से अलग अलग टैब आपके सामने आ जाते हैं, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा कि अच्छा है। बाकी यहाँ पे हम आते हैं तो आपको देखने को मिलता है रिलैक्स वगैरह के एनिमेशन, यहाँ पे आप आईफोन स्टाइल डाल सकते हो। टैब में थोड़ा बहुत छोटा बड़ा भी आप चीज़ें कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, और ये बिल्कुल ही सही है। आता है हमारा नोटिफिकेशन एंड स्टाइल, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन स्टाइल वगैरह देखने को मिलता है। और ये जो HyperOS 2.2 का फीचर्स है ना, ये वाला कस्टमाइज टॉगल का, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे इंक्लूड देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अदर चीज़ आप यहाँ पे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है लॉक स्क्रीन, जहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हाँ ये कस्टमाइज शॉर्टकट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट में क्या कुछ रखना है वो चीज़ आप बदल सकते हो। तो HyperOS 2.2 के ऊपर ये बेस्ड है, जो कि FadeOS है मॉडिफाइड करा गया। नज़र आते हैं पर्सनलाइज के अंदर, तो आपको यहाँ पे डायनेमिक वॉलपेपर का भी फीचर्स मिलता है, जो कि आप यूज कर पाओगे, और ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे AOT वगैरह तो आप यूज कर ही सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आप AOT रखो या फिर मत रखो, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, ये आपको करना है या नहीं। अनदर बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है इसका खुद का कस्टमाइजेशन, जो कि ये रहा। और यहाँ पे आपको मेंटेनर का डिटेल सपोर्ट वगैरह देखने को मिलेगा। हिडन सेटिंग की बात करें तो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन लॉक्स वगैरह है, डेटा सेवर है, सेव नेटवर्क वगैरह है, डेवलपर के ऑप्शन है, यहाँ पे इक्वाइजर वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मिसलेनियस में एक अप्लाई ऑल का बटन, यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन है, सारे एप्लीकेशन को मैक्स FPS पे सेट कर देगा, हाइड कर सकते हो मी अकाउंट को, यहाँ पे सो सिक्योरिटी स्टेटस ऑप्शन वगैरह है, थीम का ऑप्शन आपको मिल जाता है, हाइड हेल्थ डिवाइस यूजेज का ऑप्शन है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाता है,
हाइट पर्सनलाइज्ड थीम्ड ऑप्शन इनेबल गूगल ऑप्शन, यहाँ पर लिमिटेड फोटो स्टोरेज और गेमिंग सेटिंग भी आपको मिलता है और ये काम करते हैं। अनदर आता है डिस्प्ले, जहाँ पे आप जो डिसेबल सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन सेट कर सकते हो। स्क्रीन शॉट के ऊपर कोई भी और किसी भी डिवाइस का फ्रेम लगाना चाहते हो वो यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज डिफॉल्ट वाला भी आप यहाँ पे रख सकते हो। नोटिफिकेशन के अंदर आता है आपको यहाँ पे फ्लोटिंग क्लॉक, ये पता नहीं किस यूज में है लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों के काम आएगा, तो ये यहाँ पे दिया गया है तो आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अनदर आता है स्टेटस बार, जहाँ पे अलग क्लॉक स्टाइल दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो मैं बदल रखा हूँ, तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ब्लर वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे बैक कवर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इम्पार्टी म्यूजिक आइकन वगैरह, हाइड एडिट बटन, पावर मेनू और यहाँ पे जो कि आपका स्क्वायर की टाइल्स वगैरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि प्रॉब्लम में कहूँ सही है, और देखो कितना ज़्यादा स्मूथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। लेकिन हाँ, फर्स्ट डे में भी आपको इस तरीके से फील नहीं होगा, तो ये चीज़ ध्यान में जरूर रखना। वहीं पे कैमरे की बात करें तो यहाँ पे कैमरा 6.1 दिया गया है, बट इंडियन डिवाइस में मे भी ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा क्रैश कर रहा था, तो मैंने कैमरे को मैनुअली अपडेट किया है। इसका एपीके मैं आपको दे दूंगा जो कि मेंटेनर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, तो ये डाउनग्रेड होकर आ जाएगा आपका 5.2 के ऊपर अगर आपका कैमरा एरर देता है तो। अदरवाइज आप सिंपली जो 6.1 दिया गया है ना उसका यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देखो मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देता हूँ, यहाँ पे जो हमारा कैमरा आएगा वो आएगा 6.1 का, लेकिन वो हमारा क्रैश करने लग जाता है। तो आपका क्रैश नहीं कर रहा तो आप 6.1 का बेनिफिट ले सकते हो। अदरवाइज आप सिंपल क्या करो, जो एपीके मैंने दे रखा है उसे इंस्टॉल करो और आप अपने कैमरे ऐप को डाउनग्रेड कर सकते हो। किधर गया भाई हमारा ऐप, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल अपडेट कर लेना अपने कैमरे को। जैसे आपका अपडेट हो जाता है वैसे आप कैमरे को ओपन करोगे, परमिशंस वगैरह दोगे, आपका है जो यहाँ पे सही तरीके से काम करने लग जाएगा, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान में जरूर रखना। और हाँ, 4K का 30 APS-C मिलता है कैमरा ऐप अपडेट करने के बाद, जो कि कुछ इसी तरीके से है। बाकी यहाँ पे फोल्डर कस्टमाइजेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। अब रही बात टेस्ट रिजल्ट, क्या कुछ हमें यहाँ पे नजर आता है तो उसके ऊपर हम एक नज़र जरूर डालेंगे। और हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जियो 5G हमारा वर्किंग है और मैंने वीडियो कॉल वगैरह भी चेक कर रखा है, तो आप एक इंडियन यूजर्स हो, जियो के यूजर्स हो, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्टअप से स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेक किया था जो कि हमारा अनटूटू स्कोर है, जो कि प्रॉब्लम में ठीक है, लेकिन वन डे कंप्लीट होने के बाद जब मैं इसे दोबारा चेक करता हूँ तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो काफ़ी सही रिजल्ट मैं कहूँगा। और यहाँ पे हीटिंग भी ज़्यादा कुछ नहीं गया, और हाँ, ये मॉर्निंग के टाइम का टेस्टिंग है, ना कि हमारा है जो दोपहर का, क्योंकि दोपहर में हीटिंग देखने को हमें मिल जाता है। ये हमारा नॉर्मल अनटूटू स्कोर के अलावा CPU टेस्ट, जो कि हमारा 3,03,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,69,000 है, और ये रिजल्ट मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। और जैसे वन डे के बाद मैं इसे रन करता हूँ, पूरा तो रन नहीं किया था, सिर्फ 11 मिनट 12 मिनट के आसपास, जहाँ पे 3,27,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,67,000 है, जो कि ये दोनों रिजल्ट मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक नॉर्मल टेस्टिंग है और एक वन डे के बाद का टेस्टिंग है। वहीं पे गीकबेंच की बात करें तो यहाँ पे रोल ठीक है, बट मल्टी थ्रेड डाउन देखने को मिलता है। उसके बाद मैं दोबारा चेक करता हूँ तो और भी ज़्यादा वीक हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं क्या करता हूँ, गेम ट्रो में इसे ऐड कर देता हूँ, और जब दोबारा रन करता हूँ बूस्ट मोड ऑन करने के बाद, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट कितना ज़्यादा बेहतरीन आया है। यानी नॉर्मल यूजेज पे आपको नॉर्मल रिजल्ट देखने को मिलता है, लेकिन जैसे आप परफॉर्मेंस बूस्ट करते हो आपको रिजल्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। अनदर यहाँ पे हम बात करें गेमिंग सेटिंग का, तो यहाँ पे एक्सट्रीम प्लस और अल्ट्रा एक्सट्रीम का सेटिंग अनलॉक मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। L1 का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, फोटो स्टोरेज आपको यहाँ पे अनलॉक देखने को मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए हमारे मेंटेनर को, ये पॉपअप मोस्टली जगह देखने को मिल जाता है कि आप इनके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ लेटेस्ट मोड वगैरह अपडेट के लिए। एक तरीके से अच्छा है, लेकिन हर एक जगह पॉपअप आ जाना, चाहे आप फाइल मैनेजर ओपन करो, गैलरी ओपन करो, डायलर ओपन करो, सेटिंग ओपन करो, हर जगह ये पॉपअप आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कोई ब्लॉटवेयर वाला एप्लीकेशन डाल लिया और मेरे फ़ोन में हर जगह ऐड शो कर रहा है, ऐसा ये फील देता है। तो आप सिंपल यहाँ पे डोंट शो पे क्लिक करके यहाँ पे क्लोज कर लो या ज्वाइन नाउ कर लो, उसके बाद ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे नहीं करते तो ये हर एप्लीकेशन पे शो करते रहता है, जब भी फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, तो ये थोड़ा सा मुझे इरिटेटिंग लगा है। बट मे बी आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, तो अपनी अपनी पसंद है, बट मुझे जैसा फील हुआ मैंने बताया आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैमरा वगैरह सही काम करते हो नज़र आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और चार्जिंग के बारे में मैंने आपको शो कहीं दिया था कि हीट रहता है तो चार्जिंग थोड़ा स्लो रहता है, और उसके बाद ये नॉर्मल रहता है। वहीं पर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 74 और मॉर्निंग में आता है 73। यहाँ पे आप देखोगे कि 1% कहीं बैटरी ड्रॉप हुआ है 8:36 में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पे चार्जिंग को हटाते हैं, दोबारा मैंने रन किया वो दिखा दिया, CPU भी रन दिखा दिया है, कॉलिंग वगैरह हमारा काम कर
रहा है, वीडियो कॉल वगैरह भी काम कर रहा है, जियो 5G हमारा प्रॉपर वर्किंग रहता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ हमारा गैलरी का फोटो है, और यहाँ पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको हल्का फुल्का एक दो बार फ्लिकर भी देखने को मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका डिफॉल्ट गैलरी है ना, ये फोटो को स्कैन ही नहीं कर रहा है, लोड ही नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मैंने सारे परमिशन वगैरह दे रखे हैं लेकिन कल से अभी तक इसने लोड नहीं किया है, तो ये देख लेना आपके साथ काम करता है या नहीं। और हाँ, यहाँ पे विजेट सपोर्ट वगैरह आपको मिल जाता है अनलॉक, तो आप जो भी चाहो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, चाइना वाले सारे अनलॉक मिलते हैं, तो इससे रिलेटेड टेंशन नहीं आने वाला। अब रही बात यहाँ पे भाई कि मैं थीम कौन सा यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थीम का नेम, ताकि आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने हिसाब से उसे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन फाइंड कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो तो भाई आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं और ये हमारा थीम जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आई डोंट थिंक कि आपको ये मिल पाएगा, तो यही थीम है जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं इसका बैकअप बना के आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँ, ताकि अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो रजिस्टर कर लो और आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा। तो मैं लिंक साथ में साथ दे दूंगा, तो आप डिसाइड कर लेना है डालना है या फिर नहीं। और रही बात इंस्टॉल कैसे करना है, वही सिंपल सा मेथड है, अपने रिकवरी में जाना है, स्क्रोम को फ्लैश करना है, फॉर्मेट एंड रिबूट कर देना है, और यूज करना ऑरेंज फॉक्स रिकवरी, ठीक है। मैं एक लास्ट में इंस्टॉलेशन गाइड मेथड ऐड कर दूंगा, जिसे आपको फॉलो करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। और हाँ, एक चीज़ और कि 21 को गूगल ने अपना पॉलिसी चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से जितने भी डिवाइस सर्टिफाइड शो कर रहे थे, जितने भी मोड रोम थे, वो सारे फेल हो चुके हैं, उसे आपको मैनुअली अब फिक्स करना पड़ेगा। तब क्या इस डिवाइस के अंदर जो सर्टिफिकेशन पास था वो फेल हो गया या नहीं, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अगर हम आते हैं सेफ्टी नेट चेकर के ऊपर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो ये कि ये फेल हो चुका है कम्प्लीटली, देख सकते हो तीनों फेल है, जबकि कल के डेट में ये पास थे और आज के डेट में ये फेल हो चुका है। यानी 21 को जो गूगल ने पॉलिसी चेंज किया, सभी जितने भी चीज़ें थे सबको बैन कर दिया है, अब नया मेथड आ चुका है इसे पास करने का, तो आप इसे डालने के बाद मैनुअली फाइल को फ्लैश करके पास कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो, मे बी जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें बाय डिफॉल्ट आपको फिक्स देखने को मिलेगा। लेकिन 21 और 21 से पहले का जितने भी रोम अवेलेबल थे इंटरनेट पे बने हुए थे, उन सभी का जो पास था वो सब फेल हो चुका है कल के डेट से, जो कि आपको ये अब देखने को मिलता है। तो ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन था जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना था और मैंने आपको बता दिया। सो मिलते हैं इस वीडियो में, बाय। रोम फ्लैश करने के लिए पावर टर्न एंड वॉल्यूम अप को जो लॉन्ग प्रेस करेंगे फोन स्विच ऑफ करने के बाद, जिससे आपका फोन वाइब्रेट करेगा, लाइट अप होगा, तो हम पावर टर्न को लीव करेंगे, वॉल्यूम अप को होल्ड रखेंगे, आपके फोन का रिकवरी ओपन हो जाएगा। हमेशा या तो ऑरेंज फॉक्स या टी डॉल्प यूज करना, जो भी रिकमेंडेड किया गया है उसी का, कोई डिफरेंट रिकवरी मत यूज करना। जैसे रिकवरी ऑन होता है आप ब्राउज करना, अपने रोम को सिलेक्ट करना और स्वाइप कर देना, स्टार्टिंग में वाइप फॉर्मेट वगैरह मत करना। और मे बी जब भी आप रोम फ्लैश करो तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लैशिंग के दौरान कि आपको रूट करना या नहीं, तो वैसे में आप वॉल्यूम अप डाउन या पावर बटन का यूज करते हुए कमांड को रन करते जाना, अगर आता है तो, अदरवाइज नॉर्मल फ्लैश होने देना। अगर स्टार्टिंग में फ्लैशिंग में कोई भी एरर आता है तो आप एक बार सिंपल क्या कर लेना, रिबूट टू रिकवरी कर लेना और उसके बाद रूम को दोबारा रीफ्लैश कर देना। समटाइम रिबूट टू रिकवरी करते समय आपके फोन का रिकवरी है जो वो चेंज हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, तो जो भी नया रिकवरी शो होगा उसी की हेल्प से आप रोम को दोबारा रिफ्लैश करना, और रिफ्लैश जैसे ही कंप्लीट होता है आप रिबूट टू रिकवरी कर लेना अगेन, जैसा कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद सिंपल फॉर्मेट कर देना, यस टाइप करके और रिबूट कर देना। कुछ ही मिनट में आपका फोन है जो ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप सेटअप करके यूज कर पाओगे। बिल्कुल ही सिंपल और ईजी तरीका है और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है।